अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए टोयोटा लैंड क्रूजर V8 का एक वॉक अराउंड लेके आई हूँ। इस वीडियो में इसके एक्सटीरियर इंटीरियर ऑप्शंस और इस गाड़ी की प्राइस भी आप लोगों को बताई जाएगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि ये गाड़ी कहाँ पर अवेलेबल है। तो एंड तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन मस्ट है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी का मैं आप लोगों को एक 360 वॉक अराउंड दे देता हूँ। गाड़ी की आप कंडीशन देख सकते हैं, साफ़ सुथरी कंडीशन में गाड़ी आपको मिल रही है। गाड़ी के फ्रंट काफ़ी मैसिव हेडलाइट्स दी गई हैं, जिसमें प्रोजेक्टर सेटअप भी आपको मिल रहा है। ये काइंड ऑफ इसके DRLs का काम करती हैं। देन जो हाई बीम है वो नॉर्मल हेलोजन बल्ब भी इसमें आपको मिलता है। इसके अलावा बात कीजिए, इसमें आपके पास फ्रंट पे जो है 3D एम्बलम भी नहीं आता। साइड की बात की जाए तो अलॉय रिम्स इसमें आपको मिल रहे हैं, जो कि वंस अगेन टोयोटा के कन्वेंशनल बेसिक अलॉय रिम्स हैं। और के साइज़ की बात की जाए तो ये 18 इंचेस के टायर्स के आप देख सकते हैं। लाइफ भी अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, 285/60R18 गाड़ी में आपको सनरूफ मिल रहा है। साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरी इसकी साइड प्रोफाइल है। मैं इंटीरियर में चल के आपको दिखाता भी हूँ एक बार में। स्पॉयलर आ गया, और अच्छा इसमें आपके पास ये चूँकि पुराना मॉडल 12 मॉडल है, तो इसमें आपके पास AC टेल लाइट्स आती हैं। देन फेसलिफ्ट हुआ और लाइट्स वगैरह इसमें आपको चेंज होती हैं वक्त के साथ साथ। मैं इसका इंजन कंपार्टमेंट भी आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। गाड़ी में फ्रंट पे आपको पैसिव एंट्री की ऑप्शन वगैरह मिल जाती है, और बैक पे भी आपको पैसिव एंट्री की ऑप्शन मिल रही है। ये देख सकते हैं बटन दिया गया है। इंटीरियर पे जाने से पहले मैं एक बार में इसका हुड आप लोगों को खोल के चेक करा देता हूँ, देन फिर इंटीरियर ऑप्शंस पे भी आएंगे कि इस वेरिएंट में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक दफ़ा में यहाँ से भी आप ये चेक कर सकते हैं, V8 की बेजिंग आ रही है, और हुड ओपन कर लेते हैं। फ्रंट पे आपको बॉडी किट इसमें नीचे दी गई है, जो कि इसकी लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रही है। और का ये रहा लैच, ये देख सकते हैं इसका इंजन कंपार्टमेंट। इंसुलेशन वगैरह आपको मिल रही है, और चूंकि ये V8 में आती है काफ़ी मैसिव साइज का इंजन कंपार्टमेंट है। ओवरऑल सब कुछ कवर्ड में आपको मिल रहा है। 4.7 V8 के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है। अब अंदर चलते हैं। सबसे पहले मैं बैक साइड से एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, फिर फ्रंट साइड पे आएंगे। ओवरऑल लेदर सीट्स हैं, रूफ़ लाइनर आप देख सकते हैं, फैब्रिक रूफ़ लाइनर है, बट ये कि काफ़ी साफ़ सुथरा, कोई देख सकते हैं गंद के निशान नहीं। इवन डोर पैनल्स आप देख सकते हैं कितने साफ़ सुथरे हैं। वक्त के साथ अक्सर ऐसा होता है गाड़ियों में ये वाले पैनल स्क्रैच आउट हो जाते हैं, इनका पेंट उतरना शुरू हो जाता है, बट स्टिल देख सकते हैं कोई पेंट उतरा हुआ नहीं है, सब कुछ अपनी जेन्युइन हालत में मौजूद है। रेयर क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, रेयर सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट्स आपको मिल जाती हैं रेयर रो की। ऊपर की बात की जाए तो आपको एयर वेंट्स मिल रहे हैं सेकंड थर्ड रो के लिए। अब मैं आपको ड्राइवर साइड से आके इसके तमाम ऑप्शंस बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट्स विद लंबर सपोर्ट आपको मिल जाती है, लेदर सीट्स हैं, और तमाम इसके फंक्शन हैं जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफ लॉक आ जाता है, साइड व्यू मिरर आ गया, पार्किंग सेंसर्स आ गए। अब गाड़ी के अंदर एंट्री एग्जिट इस गाड़ी में काफ़ी इजी है। गाड़ी में पुश स्टार्ट आपको मिल रहा है, और मैं एक बार में अच्छा इस सिस्टम की बात की जाए ना, तो ये डिस्प्ले आई गेस आफ्टर मार्केट है, और ये जापानीज़ ही सिस्टम है, मतलब ये पाकिस्तान में नहीं इसको चेंज किया गया। तो गाड़ी इस वक्त मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। फ्रंट क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन, अच्छा इसमें आपके पास जो स्टेयरिंग व्हील आता है वो मैनुअल एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील है, क्योंकि ये ZX नहीं है। जो ZX होती है उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल स्टेयरिंग व्हील आता है, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। ये चूंकि इसका काइंड ऑफ ए बेस ट्रिम है, लोअर ट्रिम है, इसमें आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे। लाइक इसमें 4 High 4 Low के ऑप्शन भी आपको मिल रही है, इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती, क्रॉल कंट्रोल के मोड्स आ जाते हैं, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स फिट, ट्रिप्टॉनिक फंक्शन, 4-Zone क्लाइमेट कंट्रोल स्टैंडर्ड है, स्क्रीन ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है इसमें, और SHCD चेंजर वगैरह भी इसमें नहीं दिया गया, ना ही वायरलेस चार्जर आपको मिल रहा है। ट्विन कप होल्डर्स इसमें आपके पास
देख सकते हैं कूल बॉक्स भी नहीं आता है, सिंपल इसमें आपके पास ग्लव कंपार्टमेंट दिया गया जो कि वंस अगेन काफ़ी डीप है। इसके अलावा गाड़ी में बेसिक क्रूज़ कंट्रोल आता है, इस वाली में एडेप्टिव क्रूज़ वगैरह नहीं दिया गया। देन आपके पास काफ़ी डिसेंट स्पेस आ जाती है, मल्टीपल एयर बैग्स आते हैं, ड्राइवर पैसेंजर एयर बैग आ गया, कर्टन एयर बैग्स आ गए, ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर नहीं आता, मैनुअल डिमिंग रेयर व्यू मिरर दिया गया, सनग्लास होल्डर आ गया। देन इसमें आपके पास देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरे और सॉफ्ट पैडिंग की गई है, सन वाइजर्स भी साफ़ सुथरे हैं, वैनिटी मिरर विद लाइट आपको मिल जाते हैं दोनों साइड्स पे, इवन सनरूफ का आप ये देख सकते हैं कपड़ा कितना साफ़ सुथरा कंडीशन में, कोई निशान नहीं है, सनरूफ भी वर्किंग में है इसका। अच्छा, तो इसके अलावा बात की जाए क्लस्टर की तो ये 176894 मतलब 176,894 किलोमीटर से गाड़ी चल चुकी है। फॉर टोयोटा ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, ये नॉर्मल है इन गाड़ियों के लिए। देन आपने स्टेयरिंग पे भी देखा होगा कि थोड़े कम बटन्स आपको मिल रहे हैं, ये डिस्प्ले आ गया, यहाँ से आप इसकी डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ से इसके ये मोड वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं जो कि आपके टच पैनल के हैं। ऊपर की बात कीजिए क्लॉक आ जाता है टोयोटा का, और यहाँ पे भी आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे, ना ही यहाँ पे ऑटो टेलगेट भी इसमें नहीं आता आपके पास, बट ये है कि सेफ्टी सिक्योरिटी के कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल है, डिफ लॉक है, पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ से आप इसका ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी। V8 होने की वजह से पावर तो गाड़ी में काफ़ी बेहतरीन है। तो अब चलते हैं इस गाड़ी की प्राइस की तरफ, इस गाड़ी की प्राइस आप लोगों को बताते हैं कि ये कहाँ पे अवेलेबल है और इसकी क्या आस्किंग की जा रही है। अभी सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की डिटेल्स बता देता हूँ। 2012 मॉडल है, एम्बेसी की ऑक्शन है और 2,45,00,000 रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो सैगल मोटर्स की रावलपिंडी ब्रांच पर आप विज़िट कर सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।